नमस्ते, रूमीज किचन में आपका स्वागत है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा काढ़ी। तो चलिए बनाते हैं काढ़ी। काढ़ी के लिए दही को मैंने 4-5 घंटा पहले फ्रिज में से निकाल दिया था कि ये थोड़ा खट्टा हो जाए। खट्टे दही से बहुत अच्छा काढ़ी बनते हैं। इस ग्लास के मैंने 4 ग्लास दही ले लिया है और इसी ग्लास के 1 ग्लास हमें बेसन चाहिए और इसी ग्लास के 10 से 11 ग्लास हमें पानी चाहिए। 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप करके रखे हैं। 8 कलियां लहसुन के चॉप करके रखे हैं। हींग ले लिया है 1/4 टीस्पून और जो पाउडर हींग है, और जीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, और मेथी ले लिया है 1/2 टीस्पून। सूखा मिर्च 4 पीस ले लिया है। सॉल्ट चाहिए हमें स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर चाहिए लेस देन 1 टीस्पून। मिर्च पाउडर चाहिए और भुना हुआ जीरा पाउडर, ये भी लेस देन 1 टीस्पून है। पकौड़ा के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है, 1/2 टीस्पून नमक रखे हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर रखे, और 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप करके रखे हैं, और चाहिए हमें तलने के लिए तेल। काढ़ी में तड़का के लिए देसी घी 4 टेबलस्पून चाहिए, मिर्च पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून और पिंच ऑफ हींग चाहिए। दही में मैंने 1 ग्लास बेसन मिला दिया है और इसको हम पहले बीट कर लेंगे। मैं दही और बेसन को ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। दही और बेसन को ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें 10 से 11 ग्लास पानी मिला लेंगे। अब इसमें मैंने 11 ग्लास पानी डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। गैस ऑन कर दिया है और मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल दिया है। थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें ये जो मेथी और हींग और जीरा, इन तीनों चीजों को इसमें हम पहले डाल देंगे। इसमें 4 सूखा मिर्च डाल देंगे, इसमें प्याज डाल देंगे और थोड़ा भून लेंगे। अब प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें हम जो ये गार्लिक है इसको भी डाल देंगे। प्याज लहसुन भून गए हैं तो इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और जो जीरा पाउडर है सब मिला देंगे इसमें। मसाला मिक्स कर दिया है। अब इसमें दही डाल देंगे। और इसको कंटिन्यू स्टार करते जाएंगे जब तक ना इसमें उबाल आए। अगर कंटिन्यू आप स्टार नहीं करेंगे तो दही फट सकते, एक जगह इकट्ठा हो जा सकते हैं, तो इसीलिए इसको कंटिन्यू स्टार करना जरूरी है, तब जाके ये बहुत बढ़िया काढ़ी बनेगा। अब काढ़ी में उबाल आ गए हैं तो बिल्कुल गैस के फ्लेम कम कर देंगे और इसको काफ़ी देर तक हम पकाएंगे, मिनिमम 1/2 घंटे से ऊपर, तब जाके ये टेस्टी होगा। तो इसीलिए इसको हम बिल्कुल कम गैस पर अभी रख देंगे। काढ़ी को मैं अभी दूसरे गैस में शिफ्ट कर दिया है तो ये जैसे बीच बीच में हम इसको चला देंगे कि नीचे बिल्कुल भी ना लग जाए, और बाकी जो इसको अभी छोड़ देंगे पकने के लिए और हम पकोड़े के लिए पहले बैटर बना लेंगे। बेसन में नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर जो रखे इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे, गाढ़ा बैटर। देखिए थोड़ा सा थिक बैटर बनाया, खूब अच्छे से इसको फेड़ना है हमें, और इसमें फिर धीरे धीरे हमें थोड़ा और पानी मिक्स करते जाना है। अगर पहले ही ज़्यादा पानी हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें लम्स रहने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए पहले थोड़ा अच्छे से इसको बीट करने के बाद फिर धीरे धीरे हमें पानी मिलाना है। देखिए ज़्यादा थिक नहीं है, ज़्यादा थिन भी नहीं है, ऐसे ही बैटर चाहिए, और इसमें हम ये सारे प्याज मिक्स कर देंगे। बेसन के बैटर में मैंने प्याज मिला दिया है तो बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा थिक नहीं। ज़्यादा थिक होगा तो पकौड़े बिल्कुल सख्त बनेंगे, तो इसीलिए पकौड़े के लिए थोड़ा सा हमें ऐसे ही बैटर रखना है। अब मैंने गैस ऑन करके और एक पैन में तेल डाल दिया है तो इसमें हम छोटे छोटे पोर्शन लेके पकौड़े बना लेंगे।
अब पकौड़ियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। जो पकौड़े हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे पकौड़ियाँ बना लेंगे। कम गैस पे बिल्कुल बीच में चलाते हुए इसको मुझे 40 मिनट्स हो गए हैं कंटिन्यू पकाते हुए। हम ये जो पकौड़े हैं डाल देंगे। और गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने गैस ऑन करके एक छोटा सा तड़का पैन ले लिया है। इसमें ये घी जो 4 टेबल स्पून लिया था इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा घी गर्म होने पे इस पे हम ये जो मिर्च पाउडर और जो हींग है इसका तड़का लगाएंगे। अब घी गर्म हो चुके हैं तो इसमें ये हींग और मिर्च का तड़का लगा लेंगे और इसको मिलाएंगे। और इसको काढ़ी के ऊपर से डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा बचा के रखेंगे हम इसको गार्निशिंग के लिए और बाकी इसको डाल के और थोड़ा सा मिला लेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा इसको हम गार्निशिंग के लिए बाद में डालेंगे। बस ये काढ़ी रेडी हो गई है। काढ़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसको हमें थोड़ा बनाते हुए ध्यान रखना है कि इसका जो पकौड़े हैं बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, नहीं तो फिर बिल्कुल भी खाने में स्वाद नहीं आएगा। और जो है ग्रेवी भी इसका जो बनाते हुए ज़्यादा थिक हो जाएगा तो फिर ये पकौड़े उसमें जाने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ठीक टाइम पर इसको हमें गैस ऑफ करना है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ों की कि ये इसका काढ़ी का जो ग्रेवी है बिल्कुल भी ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और हमें ज़रूर से बना के देखिएगा। और अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे रेसिपी को लाइक और शेयर करें और मेरे न्यू जो अपडेट्स हैं या न्यू वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।